सो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप योनो एप्लीकेशन से कैसे KYC अपडेट कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप ब्रांच से इस चीज़ को आप है ना कंप्लीट कर सकते हो। अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब गाइस, अब की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपनी KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हो बस सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, यू नो SBI को है ना ट्राई किए हुए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। तो हम लोग आ चुके हैं योनो एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे पहले। और लॉगिन करने के बाद गाइस, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर 3 डॉट पे जाना है और 3 डॉट पे जाने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको जाना है। अब गाइस, जैसे आप सर्विस रिक्वेस्ट पे जाते हो वहाँ पे आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। चलो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बाद में आप लोग ना मुझे कॉमेंट करोगे कि भाई हम लोग नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 2-3 मिनट की वीडियो बनती है, आपको ध्यान से देखना है। और SBI के रिलेटेड जो भी वीडियोस आप देखना चाहो ऊपर आई बटन पे मैंने ऐड कर रखा है, उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वेल, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड के ऊपर 3 डॉट पे आएंगे, उसके बाद सबसे नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट के नाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर प्रोफाइल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि आप सभी को आधार यहाँ पे चेंज करने के लिए, आधार ऐड करने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा है ना डिसएडवांटेज है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ईमेल आईडीज, इसके बाद मोबाइल नंबर, आपकी एड्रेस और पैन कार्ड वगैरह आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक थंबनेल लगा दिया, एक फोटो लगा दिया, इसलिए क्योंकि ये एड्रेस वगैरह मैं आप सभी को शो नहीं करा सकता। और यहीं से आप जो पेंसिल का आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करके आप बहुत ही ईजिली आपकी है ना जो भी पैन कार्ड वगैरह हो, ईमेल आईडी आप अपडेट करना चाहते हो तो उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, मैंने आप सभी को बता दिया कि SBI योनो एप्लीकेशन के से आप SBI की KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स हो, आप सभी को कुछ भी पूछना हो तो जरूर से कमेंट करके बता देना कि ये समझ में नहीं आया या फिर क्या चीज़ है ना करना चाहिए, कौन से काम के लिए, तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आपको योनो एप्लीकेशन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर 3 डॉट पे 3 लाइन जो है वहाँ पे क्लिक करना है और आप सभी को सर्विस रिक्वेस्ट पे आ जाना है और माई प्रोफाइल पे आना है। और प्रोफाइल पे आने के बाद आप सभी को यहाँ पे है ना जो भी पैन लिंकेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा वो सब मिल जाएगा। आप लोग सिंपली आके यहाँ से अपनी KYC को अपडेट कर सकते हो। गाइज, आप सभी को पता है कि KYC कितना इम्पोर्टेंट है ट्रांजैक्शन के लिए, तो कर लेना। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, मैं इसका रिप्लाई जरूर से करूँगा आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइज, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। कैसा लगा ये वीडियो आप सभी को जरूर से बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय कर रहे हो या नहीं।